बेटमा कारगिल योद्धा सूबेदार सुहानलाल कुशवाहा सेवानिवृत्त होकर अपने गृह नगर बेटमा पहुंचे, जहां पर सबसे पहले कुशवाहा ने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद नगर के लोगों के द्वारा पुष्पमाला पहनाकर श्री कुशवाहा का जोरदार स्वागत किया और बेटमा नगर के अम्बेडकर चौराहे से बैंड बाजे और ढोलक के साथ उन्हें खुली जीप में बिठा कर जुलूस निकाला। नगर वासियों के द्वारा श्री कुशवाहा का पुष्पमाला पहना कर जगह जगह स्वागत किया गया व उनके निवास स्थान मंत्री नगर तक ले जाया गया। वहीं पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के छात्रों के द्वारा उन्हें परेड कर सलामी दी गई। श्री कुशवाहा ने इंडियन आर्मी में 30 साल तक अपनी सेवाएं दी है एवं उन्होंने कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई है। इंडियन आर्मी में 30 साल के कार्यकाल में कुशवाहा को कई तरह से सम्मानों से नवाजा गया है। जोश के साथ में मेरा स्वागत किया है और जिस प्रकार हमने कारगिल में विजय पाई और आप लोगों ने जितना साथ दिया मेरे को, मैं जब वहाँ से निकला तो मेरे कमांडर ने यही बोला कि आप ये नहीं मत सोचना कि आप हमको सेवानिवृत्त होके जा रहे हो, पर ये याद रखना कि जब भी अगर हम कुछ ऐसी जरूरत पड़ी कारगिल के जैसी तो आपको आना है। तो मैंने वादा किया है कि अगर हमें पता चल जाएगा कि किसी ने भारत के ऊपर आग उठाने की कोशिश की तो मैं नहीं, मेरे जो साथी है लोग खड़े हैं, इनको मैं खुद ट्रेनिंग दूंगा और खुद लेके जाऊंगा। और श्रीनगर में जिस प्रकार झंडा लग रहा है लाल चौक पे, और ये केवल आप लोगों की बदौलत ये हुआ है, और मैं यही आप लोगों से दुआ करूंगा और ये करूंगा कि जो अभी जिस हिसाब से चल रहे, मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप समझ गए हैं, इसका साथ देना है। और अगर यही साथ रहा तो कोई वहाँ पे दोबारा हरकत नहीं कर सकता है कि लाल चौक पे कोई दूसरा झंडा जो तिरंगा के अलावा कोई दूसरा झंडा लहराए। बोला भारत माता की, भारत माता की। इंदौर से संवाददाता मोहम्मद शकील खान की रिपोर्ट।